चमकाए कर रहा है पूरा। हाँ सुशीला है। अच्छा आई रही बाहर आओ। ओ सुशीला दीदी आई। हाँ बहुत दिन हुआ इधर। कैसे आए? मेरा काम पड़ी हुई। चल आओ बट। हाँ बटा है ना बट जा। जी सुशीला दीदी काय हालचाल चल रहा? सब बढ़िया से। बढ़िया से। हाँ वहाँ खेत में जा रही थी तो वो धसिया जलाणु छे न ट्रैक्टर से हाणनु छे। सुशीला दीदी कचरो तुम क्यों जलाई रहे? कचरो जलाओगे तो तुम्हारा खेत को खेत का लिए अच्छा नहीं है। और ट्रैक्टर की काई जरूरत है तुमको? तुम्हारा घर बैल छे गाड़ी छे। बैल से हाल घेरा लगा थोड़ा सो घेरो ही जाएगा। वही कचरो तुम अपना लिए जमीन का अंदर कचरो रहेगा तो वो अपना लिए खेत का लिए खाद बनी जाएगा और वो अच्छा रहेगा। अभी उंडो हाल क्या कहाँ का महीना में करानु छे? सुशीला जी हाल तो उंडो अप्रैल और मई में करानु चाहिए। उंडो हाल क्यों करानु चाहिए भाई? सुशीला जी वो कचरा का जो डंडल छे ने वो जमीन का अंदर रहेगा तो दबेला रहेगा तो खाद बनी जाएगा। खाद बनी जाएगा तो वो अपना का फायदा देगा। सुशीला जी अपनो खेत बराबर हो नहीं तो पूरब से पश्चिम की तरफ करानो चाहिए। जीजी ऐसा क्यों भला? सुशीला जी जो पूरब और पश्चिम दिन भर सूर्य की रोशनी छे वो तेज पड़ा तो जमीन का अंदर जो कीटाणु और अंडा छे वो जमीन का बाहर निकले आवे। फिर सूर्य की तेज रोशनी पड़े नहीं तो कीटाणु और अंडा मरी जाए मतलब समाप्त हो जाए। एकासी उंडो घेराए हाल अपन चलावा। जीजी आलू का ही फायदा छे? जीजी वो जमीन का अंदर चारा का बीज छे वो भी ऊपर आई जाए तो सूर्य की तेज धूप पड़े नहीं ओका कारण वो भी समाप्त हो जाए। जीजी आलू का ही फायदा छे? सुशीला जीजी ज़्यादा घेराई जुताई करना से जमीन पोली हो जाए तो वो पानी का ज़्यादा सोख। जीजी ज़्यादा गहराई जुताई करने से पौधा की जड़ न छिन नहीं वो दूर दूर तक अच्छी फैली जात न एकासी पौधों मजबूत रहे। जीजी कीटाणु और अंडा मरी जाए तो अपनी दवाई कम लगेगा और दवाई की बचत भी जाएगा। जैसा डंटल दबेला रहेगा उनको खाद बनी जाएगा तो खाद की बचत भी अपना कम लगेगा। किरण जीजी ये भी हर साल हर उंडो हारनु पड़ेगा? जीजी पूरा खेत करानो हो तो तीसरा साल करान। जीजी हर साल करानो हो तो अपन खेत का तीन भाग में बांट लेंगे। पहले साल में एना भाग का करांगे दूसरा साल में ओना भाग का करांगे और तीसरा साल में तीसरा भाग का करांगे। जीजी यो मैंने उंडो हाथ देखियो नहीं तो कसो करानो? जीजी तुमको कभी हाव गहरी जुताई में देखनु छे? भैया का खेत में हाव चली रहे हो तुमको ले चलो चलो देखिए आओ खेत में जाए आवा चले हाव चली रहो देखिए आवा किरण जीजी। हाँ खेत में कैलाश भैया हाँ सुशीला जीजी का खेत में गहराई जुताई बतावना के लिए यहाँ मैंने बैल जोड़ी कि हाल से हालियो गहरो कम से 6 इंची से 8 इंची उंडो होनी चाहिए। चलो गए किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद गहरी जुताई के लिए ना तुमने अच्छी ज्ञान दिया। कैलाश भैया तुमको बहुत बहुत धन्यवाद तुमने हमको खेत में गहरी जुताई बतायो। किरण जी खेत का बारे में कहीं जरूरत लगे तो बोल लियो। चलो ठीक राम राम।